Good morning, leaders! लेकिन चलता रहा रास्ता देखकर, डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन चलता रहा रास्ता देखकर, मंजिल अपने आप करीब आती गई, मंजिल अपने आप करीब आती गई, मेरा हौसला देखकर। This is the vision mission sounder in front of you and सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पिछले 10 सालों से मैं घर से बाहर रह रहा हूं। क्लास 6 से मुझे भेज दिया गया था हॉस्टल में, इसलिए नहीं कि मैं नहीं पढ़ता था, इसलिए क्योंकि मैं अच्छा पढ़ता था। एंड आज मेरे साथ मेरे पापा यहां आए हुए हैं। सर मैं उनको प्लीज स्टेज में बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। पिछले 10 सालों में जब से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, ये पहली बार है जब मैंने अपने पापा को कहीं बुलाया। इवन होता क्या था, स्कूल का रिजल्ट लेने भी मैं खुद ही जाता था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने भी मैं खुद ही जाता था, टीचर से भी मैं खुद ही पूछ लेता मैं कैसे पढ़ता हूँ बता दो मुझे। जब मैंने अपने पापा को इनवाइट किया है, एंड मैं पापा को जरूर बताना चाहूंगा, स्टेज के जरिए बताना चाहूंगा, पापा आपका बेटा निश्चल सुनकर ये है। पापा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा रियल इंस्पिरेशन इस जर्नी का स्टार्ट करने से कहां से आया, मेरे पापा एक ऐसे इंसान है, अगर उनके जेब में 1000 रुपए भी होंगे ना, तो 999 रुपए वो मेरे को देंगे और 1 रुपए खुद रखेंगे। तो मेरे को रियल इंस्पिरेशन ने स्टार्ट की, आगे बढ़ते गया, लेकिन उस इंसान के बिना वो पॉसिबल नहीं होता। द फर्स्ट पर्सन हु ज्वाइन मी, द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे मुझ पर भरोसा किया, मेरे साथ आगे बढ़ना विश्वास किया, एंड सिर्फ एक सेंटेंस मैंने उनसे कहा था, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हिज अपकमिंग सिल्वर एसोसिएट नन अदर देन मिस्टर ससांग साहू सर। नेक्स्ट मैं जिनको थैंक्स कहना चाहूंगा,
उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस बिलाय. एंड जब हम अपने अंदर विजन नहीं देख पा रहे थे, तो वो जानबूझ के हमारे अंदर विजन डालने की कोशिश कर रहे थे, जानबूझ के हमको फोर्सफुली सपने दिखा रहे थे, नहीं बेटा तू इसके लिए नहीं बना, तू और बड़ा देख, और बड़ा देख, और बड़ा देख, इतना बड़ा देख कि बन के निश्चल सुनकर स्टेज में आ जाए. आगे नहीं बढ़ सकता. His none other than mentor of mentors, creator of Abyss Belay, and आज जो भी सारी यहाँ पे टीम है, जिन्होंने विजन लिया था अप्रेजल इवेंट कराने का, जिनके थ्रू हम सब यहाँ पे आए हैं, and his none other than my mentor, mentor of mentors, Mr. विकास सिंह सर. विकास सर आते थे, हमें बोलते थे नहीं यार कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी भी ग्रैंड एंट्री होगी, तुमको भी लोग तुम्हारे लिए भी लोग पागलों की तरह चिल्लाएंगे, तुमको भी कभी स्टेज में आने का मौका मिलेगा. पता नहीं कितने लोगों को इस पे भरोसा होता है कि नहीं होता है. दोस्तों एक बार अपने अपलाइन पे जरूर ब्लाइंड फेथ करके देखो, जरूर ऐसा होता है. निश्चल सुन मेरा आपके सामने खड़ा है.